सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कुछ इस टाइप का फ़ोटो एडिट करना सिखाऊंगा, जो कि देख सकते हैं काफ़ी कमाल का फ़ोटो लग रहा है और मैंने इसको बहुत ही मेहनत से बनाया है। तो उससे पहले आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे, ठीक है? तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को एक बात बता दूँ कि आप लोग थोड़ा सा भी सपोर्ट कर रहे हैं, देख सकते हैं बैक टू बैक मैं बहुत ही तगड़ा कोशिश कर रहा हूँ वीडियो लाने का। तो जैसे आप लोग जितना अच्छा से सपोर्ट करेंगे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। बस वीडियो आप लोग अपना स्टेटस मत लगाइए, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, उनको भी बोलिए इसको सपोर्ट करें, ठीक है? मेरे को जितना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा आप लोगों का, उतना ही तगड़ा वीडियो आप लोगों को मिलेगा देखने को, ठीक है? तो बस इतना काम कीजिए। तो भाई, अपने भाई के लिए इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये मेरा कुछ इस टाइप का ओरिजिनल फ़ोटो है, ठीक है, जो कि जस्ट मैंने अपने रूम में ही क्लिक किया है, ठीक है? तो ऐसे आप लोग भी क्लिक कर सकते हैं, कहीं भी क्लिक कर सकते हैं, फ़ोन से भी क्लिक कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास DSLR ही होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बैकग्राउंड को कटआउट करना है तो ये फ़ोन से भी क्लिक हो सकता है। बस आपका फ़ोन अच्छा होना चाहिए, ठीक है? अच्छे फ़ोन का कैमरा आजकल आ रहा है तो इससे आप लोग क्लिक करके बना सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक भी स्टेप मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, फिर आप लोग बोलोगे तो नहीं बन पाया। और सबसे ज़रूरी गाइस, कि सारे लोग पूछते हैं PNG आप लोग डिस्क्रिप्शन में क्यों नहीं देते हैं, तो भाई मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं दे सकता, आप लोग मेरी मजबूरी को समझिए। आप लोगों को अगर मेरी कोई भी PNG एंड बैकग्राउंड कुछ भी चाहिए, सिंपली आप लोग टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए, टेलीग्राम पर सर्च कीजिए एलोन डिज़ाइन और उस पर जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसी पर सारा बैकग्राउंड एंड PNG मिल जाएगा, ठीक है? जिस भी फोटो का PNG चाहिए उस पर सारा चीज़ अपलोड करता हूँ, मिल जाएगा। तो ये सब कर लीजिए, ठीक है? तो अभी मैं आप लोगों को प्रोसेस बताता हूँ एडिटिंग का, कि एडिटिंग करते कैसे हैं, ठीक है? इस फोटो को हमको कैसे एडिटिंग करना है, ध्यान से देखिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे फर्स्ट प्रोसेस है कि ये वाला बैकग्राउंड रहेगा, ठीक है? ये मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगा, वहाँ से आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको सिंपली शेयर कर लेना अपने PicsArt एप्लीकेशन के अंदर। और ये एप्लीकेशन जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ एडिटिंग के लिए, ये एप्लीकेशन आप लोगों को प्ले स्टोर पर इजीली मिल जाएगा, आप लोग वहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। शेयर करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन टूल्स में चले जाना है और यहां पे क्रॉप का एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है? क्रॉप पे आप लोग क्लिक कर लीजिएगा और क्लिक करने के बाद इसमें थोड़ा सा स्लाइड करेंगे आप लोग तो आप लोग को यहां पे पोस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है? पोस्ट पर क्लिक करके और सिंपली इसको डन कर लेना है, ठीक है? इसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाएगा और फिर से हम रिसाइज़ करेंगे, ठीक है? रिसाइज़ जब तक नहीं करेंगे, फ़ोटो ऐड करेंगे तो फ़ोटो फट जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से हम रिसाइज़ कर लेते हैं, तो 28:28 लिखना है। तो ऐसे मैंने इसको कर लिया है। अब इसको थोड़ा ब्लर करेंगे, क्योंकि ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है, फटाफटा सा लग रहा है। तो इफेक्ट वाले ऑप्शन पे चलेंगे और ब्लर वाले ऑप्शन पे जाके सिंपली ब्लर पे क्लिक करके और ऐसे डन कर लेंगे। ऑटोमेटिक जितना ब्लर होता है उतना आप लोग छोड़ दीजिएगा और फिर से यहाँ से हम लोग एक बार और रिसाइज करेंगे, क्योंकि ब्लर करने के बाद हो सकता है साइज चेंज हुआ हो, तो चेंज नहीं हुआ है, ठीक है दोस्तों? तो अभी हम चलेंगे ऐड फोटो में। देख सकते हैं जब मैंने ब्लर कर लिया तो बैकग्राउंड एकदम HD हो गया, पहले से ज़्यादा HD हो गया, जो कि काफ़ी ऑसम लग रहा है हमको। अब थोड़ा सा इसमें कलर ग्रेडिंग करेंगे, कलर करेंगे बैकग्राउंड को। उसके लिए हम एडजस्ट वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे और हल्का सा सेचुरेशन को सबसे पहले बढ़ा लेना है, सेचुरेशन बढ़ाना है, कंट्रास्ट को हल्का सा इंक्रीज़ करना है, ज़्यादा नहीं, यानी कि 5 या 10% करना है, मैं 6 पे ही रखूँगा। हाईलाइट को जैसे है छोड़ देना, हाईलाइट को नहीं छूना है। शैडो को थोड़ा सा कम करना है, ठीक है, यानी कि 20% आप लोग कम कर सकते हैं और बाकी इसमें किसी भी टूल को छेड़छाड़ नहीं करना है। थोड़ा सा इसमें ब्राइटनेस को 9 नंबर पे कर देना है, डन कर लेना। देखिए, बिफोर एंड आफ्टर मैंने थोड़ा सा चेंज किया। अब जाके हम ऐड फोटो में चलेंगे, ठीक है? तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ऐड फोटो का ऑप्शन है, यहाँ से कोई भी हम PNG को ऐड करते हैं। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, क्योंकि PNG की वजह से ही वीडियो लंबा होता है और इसमें PNG काफ़ी ज़्यादा यूज़ करना है, 5-6 PNG है। तो मैं आप लोग को सारा यूज़ करके बताता हूँ। तो दोस्तों, मैं ऐड फोटो में चल के अपने फ़ोटो को ऐड करता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, मैंने सारा PNG को ऐड किया है। तो इसको सबसे पहले इसको ऊपर की साइड में इसको रख लेते हैं, क्योंकि अभी हम इसको यूज़ नहीं करना है, सबसे पहले अपने मॉडल्स के PNG को ऐड करना है, ठीक है? तो ये वाला PNG है, सबसे पहले तो इसका साइज़ हम बड़ा करेंगे और बड़ा करके साइज़ को यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है? इतना पे एडजस्ट कर लेंगे। देख सकते हैं मैंने कैसे एडजस्ट किया है, सेम ऐसे ही आप लोगों को भी कर लेना है, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है, ध्यान से देखिएगा। और उसके बाद से ये वाला जो बर्ड वाला जो पिजन वाला PNG है, इसको हम कुछ इस टाइप से यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है? सो यहाँ पे लगाने से पहले इसको हम ऐड करेंगे, ठीक है? तो अभी साइड में इसको हटा देते हैं, सबसे पहले इसको ऐड करेंगे। इसको एडजस्ट करना काफ़ी ज़रूरी है। सो कैसे इसको एडजस्ट करना है मैं बताता हूँ। तो देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप एकदम ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ऐसे कुछ इस टाइप से बड़ा कर लेना है
और बड़ा करने के बाद देख सकते हैं कितना खतरनाक लग रहा है। तो ऐसे थोड़ा सा हम इतना पे रखेंगे, ठीक है, इतना पे ही लगाएंगे। और इरेजर वाले ऑप्शन पे चले जाना है, सिंपली इरेजर वाले ऑप्शन पे चले जाना है और यहाँ से हार्डनेस को थोड़ा सा बढ़ा के और जो भी इधर का एक्स्ट्रा पार्ट है इसको इरेज कर लेना है, ठीक है, इसको नहीं रखना है। देख सकते हैं मैंने काफ़ी परफेक्टली से इरेज कर लिया है। एक और बैकग्राउंड PNG है उसको ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों ये वाला PNG है, ठीक है ना, इसको ऐड करेंगे। तो इसका सबसे पहले तो हमें ब्लेंडिंग मोड मल्टीप्लाई पे कर लेना है, ठीक है, मल्टीप्लाई पे नहीं डार्केन पे रखेंगे। तो डार्केन करके और फोटो को कुछ इस टाइप से, ये वाला जो PNG है इसको हमको कुछ इस टाइप से छोटा कर लेना है, ठीक है। फोटो को जूम करेंगे और इसको थोड़ा सा हम इधर की साइड में थोड़ा सा चौड़ा करेंगे और इसको ऐसे करके छोटा कर लेंगे, ठीक है, और कुछ इस टाइप से इतना पे लगा लेंगे, ठीक है। इसका एक डुप्लीकेट यहाँ से बना लेंगे और सेम यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है, एक एक डुप्लीकेट बना के और सेम ऐसे ही लगा लेना है, ठीक है। सो देख सकते हैं ये वाला है, इसको मैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे से एडजस्ट कर लूँगा। तो देख सकते हैं मैंने एकदम अच्छे से एडजस्ट कर लिया है, ठीक है ना, जैसे कि लग रहा है मेरे हैंड से ही निकला है। और सेम इसी का एक और डुप्लीकेट बनाएंगे और बना के और ऐसे कर लेंगे और एक यहाँ पे लगाने वाले हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लगाएंगे। तो थोड़ा सा और साइज़ को बड़ा करेंगे और बड़ा करके और इधर की साइड में लगा लेंगे, जैसे कि उस वाले उंगली में रहेगा तो यहाँ से निकलेगा तो काफ़ी ज़्यादा बेटर लगेगा, ठीक है। तो इरेजर वाले ऑप्शन पे चलेंगे और ये सारा जितना भी है इसको हार्डनेस को बढ़ा के और ये इन सबको इरेज कर लेना है, ठीक है, इसको नहीं रखना है क्योंकि हमको एक ही उंगली का दिखाना है। तो एक उंगली का दिखाना है तो एक ही का एडिट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से सबसे पहले अच्छे से कर लेता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हैं उसको भी मैंने एडजस्ट कर लिया है, काफ़ी अच्छे से ऐड हो गया है वो भी। अब जाके हम पिजन वाले PNG को ऐड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मूव अप कर लेंगे, ठीक है, एकदम ऊपर की साइड में और यहाँ पे कुछ इस टाइप से इसको लगा लेंगे, जैसे कि देखा आप लोगों ने मैंने कैसे लगाया। और ये वाला PNG को यहाँ पर नीचे की साइड में यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर लगाते हैं और इसका ब्लेंडिंग मोड हमें चेंज करके देखना है किस पर अच्छा लग रहा है। तो मैं यहाँ पे चेंज कर लूँगा तो हमको अच्छा लग रहा है डार्केन पे, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे बड़ा करेंगे और इरेजर वाले ऑप्शन पे चलेंगे, हार्डनेस को जीरो करके और यहाँ से सिंपली हम इसको इरेज कर लेना है, ठीक है, ऐसे इरेज करना है और कर लेना है डन, ठीक है, डन करेंगे। सो देख सकते हैं मैंने अभी इतना PNG को एडजस्ट कर लिया है। अब आता है आई कलर, ठीक है, आई लेंस, इसमें जाएंगे और सबसे पहले आई कलर पर चूज करेंगे और आई कलर चूज करने के बाद मैं अपना आई लेंस को लगा लूँगा, ठीक है। साइज़ को ऐसे सबसे पहले इसको एडजस्ट कर लेना है अच्छे से, ध्यान से देखिएगा, एक भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। और आप लोग को एक और ज़रूरी बात बता दें कि यार दोस्तों अभी तक आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ यार एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है, जो कि आप लोग को अच्छे से पता है मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ वीडियो में। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए मेरा, तो एक लाइक करने में आपका क्या जाता है, तो बस एक लाइक कर दीजिएगा, बाकी तो मैं आपके लिए खड़ा हूँ, ठीक है। आपके लिए मैं बैक टू बैक बहुत सारे वीडियोज़ लेके आते रहता हूँ। तो देख सकते हैं इसको भी मैंने कर लिया, थोड़ा सा इसका सेचुरेशन को बढ़ा के और ऐसे डन कर लेंगे। देख सकते हैं आँख बहुत ही तगड़ा लग रहा है एकदम देखने में। और एक और PNG है उसको ऐड करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोनों PNG को हम यहाँ पे ऐड कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो इसको ऐड करना है टैटू वाला, तो इसका ब्लेंडिंग मोड हमें मल्टीप्लाई पर कर लेना है और कुछ इस टाइप से इसको कर लेना है बड़ा, ठीक है। और इसका ऑपेसिटी हम जाके यहाँ से कम करेंगे, ठीक है, एकदम कम करना है, यानी कि 30 पे रखेंगे, 29 या 30 पे। और जो ये इसके ऊपर आया है पिजन के ऊपर, यहाँ से हम काफ़ी अच्छे से इरेज कर लेंगे, ठीक है। सो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लगा लिया, यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया था तो अभी डन कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा और चाहें तो आप लोग इसका ऑपेसिटी 38 तक रख सकते हैं, आप लोग अपने फ़ोटो के अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। और यहाँ पर भी एक टैटू रहेगा, तो आप लोग बहुत सारा टैटू आप लोग को मिल जाएगा PNG क्रोम ब्राउजर पर, आप लोग सर्च कर लीजिएगा, उसमें से कोई भी PNG आप लोग लगा सकते हैं। तो बस मैं आप लोग को समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये वाला है जो आँख में हमको लगाना है, तो यहाँ पे सिंपली हम इतना पे इसको एडजस्ट करेंगे और इसका भी ब्लेंडिंग मोड हमें मल्टीप्लाई से कर लेना है, ठीक है। तो जैसा कि देख सकते हैं मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो मल्टीप्लाई ऐसे करके और सिंपली यहाँ से थोड़ा सा कट ऐसे कर लेना है, इरेज कर लेना है, ठीक है। देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसको हम एक और इसका डुप्लीकेट यहाँ पर बना लेंगे और सेम यहीं पर लगा लेंगे, तो थोड़ा डार्क हो जाएगा, ठीक है। सेम प्रोसेस इस वाले आँख में भी करना है, डुप्लीकेट बनाना है, दो दो करके एकदम लगा लेना है, ठीक है। देख सकते हैं मैंने आँखों में भी काफ़ी अच्छे से लगा लिया, अब कर लेंगे डन, ठीक है दोस्तों। अभी हम सिंपली चलेंगे ड्रॉ टूल में, ड्रॉ टूल में 3 डॉट पे क्लिक करके फोटो के यहाँ से सेव कर लेंगे। फोटो हमारा सेव हो गया, अब सिंपली यहाँ से शेयर करेंगे अपने लाइटरूम एप्लीकेशन में।
ठीक है, फ़ोटो को शेयर करते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो यहाँ से हम फोटो को शेयर करेंगे लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो ऐड टू लाइटरूम लिखा हुआ है, तो एक बार हम शेयर कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो कभी कभी थोड़ा शेयर करने में भी दिक्कत होता है, तो थोड़ा सा आप लोग वेट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे तो लिख दिया है, ऐड हो गया है। तो अभी ओपन करते हैं अपना लाइटरूम एप्लीकेशन, देखते हैं ओपन हुआ है कि नहीं, आया है कि नहीं। सो फाइनली दोस्तों हमारा फोटो यहाँ पे ऐड हो चुका है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ब्लैक को कम करके और शैडो को ऐसे इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। ब्लैक को कम रखेंगे और शैडो को कुछ इस टाइप से इंक्रीज करेंगे, और यहाँ से कलर वाले ऑप्शन पर जाके मिक्स टूल पर जाएंगे और इसको थोड़ा सा हम कम करेंगे और इसको बढ़ाएंगे, ठीक है। देख सकते हैं एकदम पूरा वाइट हो गया। रेड टोन को ऐसे कर लेना है, ये इसको भी थोड़ा सा बढ़ा लेना है। सो देख सकते हैं काफ़ी कमाल का लग रहा है, ठीक है ना। तो कुछ इस टाइप से ग्रीन टोन नहीं रखना है इसमें, ग्रीन टोन को माइनस रखेंगे और इसको थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे, ठीक है। आप ध्यान से एकदम कलर ग्रेडिंग करना है, तभी आप लोगों का फ़ोटो हार्ड लगेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा कम करेंगे। सो देख सकते हैं मैंने बिफ़ोर एंड आफ्टर काफ़ी अच्छे से किया है इसको, ठीक है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा शार्पनिंग को बढ़ाएंगे, डिटेल्स इसको थोड़ा सा बढ़ा लेना है। देखिए सारा चीज़ मैं एकदम क्लियर बता रहा हूँ, बस देखिए आप लोगों को कटआउट करना है, इस वीडियो में नहीं बताया हूँ। तो कटआउट करना, फेस स्मूथ करना, बहुत सारे वीडियोज़ में पड़ा हुआ है, आप लोग जाके आसानी से देख के कर सकते हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैंने वो चीज़ नहीं बताया। तो अभी फाइनली इसको स्नैपशीट में लेके आ जाना है फ़ोटो को, और यहाँ पे थोड़ा सा हमको लाइट का इशू दिख रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लाइट को हम ऐसे बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो जहाँ भी आप लोग को लाइट का इशू दिखे, वहाँ पर आप लोग अपने फ़ोटो के अकॉर्डिंग लाइट ऐसे बढ़ा सकते हैं, ब्राइटनेस, और बढ़ा के अपने फ़ोटो को और भी अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। सो देख सकते हैं मैंने काफ़ी अच्छे से ब्राइटनेस वगैरह बढ़ा लिया है और मेरा फ़ोटो हो गया गोरा, काफ़ी ज़्यादा गोरा हो गया है। सो अच्छा लग रहा है, और यहाँ से मैं थोड़ा सा स्मूथ करूँगा, फेस को ग्लो करके स्किन स्मूथिंग कर लूँगा, ठीक है। सो देख सकते हैं मैंने इसी में स्मूथ भी कर लिया काफ़ी अच्छे से। तो बस इस टाइप से आप लोग स्मूथ कर सकते हैं, अपने फ़ोटो को बना सकते हैं काफ़ी कमाल का। और देख सकते हैं मैंने एकदम अच्छे से बना लिया है फ़ोटो को, ऐसे ही बनता है, आप लोग भी बना सकते हैं, एकदम ईजी है। तो बस यही था आज का एक छोटा सा ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।